सो हैलो गाइज वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल लर्न विथ फन बालजी सो गाइज एज यू नो कि मैं आपके लिए पैथोलॉजी के वीडियोज़ लेकर आती हूँ नीट रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आती हूँ और मुझसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे बहुत सारे बच्चों ने कॉमेंट किए कि मैम सर्जरी के कुछ टॉपिक्स भी डिस्कस कीजिए सो so, सर्जरी का आज मैं आपके साथ एक जर्नल सर्जरी का टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज़ दिस्ट ठीक ठीक है ये आपकी जो बुक है सर्जरी की दैट इज एस दास या सोमेन दास द्वारा लिखी हुई तो उसका चैप्टर नाइन है जो कि है सिस्ट आज हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे ठीक है सिबेशियस सिस्ट से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी पूरा आपको वीडियो दिया हुआ है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उसको चेक कर लेना ठीक है बट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लाइव सेशन तब मैं वो लिंक डालूंगी चलो शुरू करते हैं सबसे पहले कि सिस्ट क्या होती है पहले एक बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए भी काम आएगी और साथ ही साथ आपको पता भी होना चाहिए तो सिस्ट जैसा कि अभी-अभी आपने थंबनेल में देखा होगा दैट इज सॉफ्ट फ्लक्चुएट स्वेलिंग कंटेनिंग फ्लूइड इन अ सेक व्हिच इज लाइनड बाय द एपिथेलियम और एंडोथेलियम इज कॉल्ड अ सिस्ट अभी मैं आपको ना इसका कुछ डायग्राम सब बना के दिखाती हूँ तब क्लियर होगा देखो पहली चीज क्या पता चली हमें कि इट इज लाइक अ स्वेलिंग ठीक है स्वेलिंग की तरह एक सैक है और वो जो सैक है वो किससे लाइन है बाय द एपिथीलियम और एंडोथीलियम ठीक है इस तरीके से ये एक सिस्ट होती है कैसी होती है ये सॉफ्ट होती है जब इसको टच करोगे सिस्ट को तो वो आपको सॉफ्ट पता चलेगी ठीक है Now next the word cyst is derived from a Greek word meaning the bladder. Now बात आती है classification की cyst की तो basically cyst is classified basis on two classification. एक है जिसका नाम है first type of classification और दूसरा है second type of classification. So लिखना तो बहुत आसान हो जाएगा paper में कि एक क्या है फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सेकंड है सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं दो टाइप दैट इज द ट्रूसिस्ट एंड फॉल्सिस आप बेसिक यही सुनते होगे कि ट्रूसिस्ट क्या होती है फॉल्सिस क्या होती है सो so, देखो ट्रूसिस्ट देखो एंडोथीलियम क्या होती है uh, मैं आपको बता देती हूं जैसे जब आप पढ़ते हो अबाउट द ब्लड वेसल्स तो ब्लड वेसल्स में अंदर सेल्स को बनने के लिए वहां पर एंडोथीलियम होती है ठीक है सो इस तरीके से आपको एंडोथीलियम uh, के बारे में अगर पढ़ना है तो आपको पहले बहुत बेसिक जाना पड़ेगा ठीक है मैं उतना बेसिक में अभी नहीं पढ़ा रही हूं अभी हम सिस्ट पढ़ रहे हैं और सिस्ट पढ़ने के लिए आपको इतना ज्यादा डीप अभी जाने की जरूरत नहीं है ठीक है ये आपके पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आप तभी इसको ठीक कर सकते हो ठीक है तो अभी हम सिर्फ सिस्ट पे ध्यान दे रहे हैं आफ्टर दैट कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ लेना तो दो टाइप की सिस्ट होती है दैट इज द ट्रू सिस्ट एंड द फॉल्स सिस्ट ट्रू सिस्ट क्या होती है वो सिस्ट जो कि लाइन होती है बाय द एपिथिलियम और एंडोथिलियम और अगर ट्रू सिस्ट कभी भी इंफेक्ट हो जाएगी ना तो वहां पर हमें ग्रेन टिश्यूज भी मिलेंगे ओके दिस इज द द ट्रू ट्रू सिस्ट सिस्ट ऑफ ऑफ मे बी फॉलोइंग टू तो जो ट्रू सिस्ट होती है उसके अंदर जो भी फ्लुइड भरा हुआ है वो दो वेराइटी का होता है पहली वेराइटी या तो उसके अंदर सिरस और म्यूकोइड होगा जो फ्लूड है जो कि वेरी करेगा इन कलर वो कलर लेस भी हो सकता है कुछ थोड़ा सा ब्राउन स्टेनिंग भी हो सकता है क्योंकि वहां पर जो ब्लड है वो अल्टर हो गया है उसकी वजह से हमें कुछ अलग सा कलर मिलेगा सिस्ट का सेकेंड टाइप ऑफ फ्लूड कैसा होता है जिसमें आपको पॉरेज या फिर टूथपेस्ट लाइक अंदर एक्यूमुलेशन मिलता है और वो एक्यूमलेशन किसका होता है वो एक्मलेशन होता है डी एक्टेड एपिथीलियम का ठीक है नेक्स्ट इज द फॉल्स सिस्ट सिस्ट फॉल्स जो कि दो टाइप की होती है दैट इज द सिस्ट सिस्ट एंड अभी इससे आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार छोटा सा क्विकली समझा दे रही हूँ कि सिस्ट क्या होती है सिस्ट इज सॉफ्ट फ्लक्चुएट स्वेलिंग जो कि किससे बनी होती है वो लाइन होती है बाय द एपिथी एपिथीलियम और एंडोथीलियम ठीक है नाउ दो क्लासिफिकेशन होते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में आता है ट्रूसिस्ट और फॉल्सिस्ट ट्रूसिस्ट जो कि लाइंड है बाय उसके अंदर आपको दो टाइप का फ्लूइड देखने को मिलेगा एक फ्लूइड जो कि सिरस और म्यूकोइड मु, हो सकता है और उसके अंदर जो उसका जो कलर है वो काफ़ी हमें डिफर मिल सकता है या तो वो कलरलेस भी हो सकता है या फिर वो ब्राउन भी हो सकता है अब बात आती है फॉल सिस्ट की फॉल सिस्ट के अंदर आपको दो टाइप मिलते हैं दैट इज द एग्जुडेशन सिस्ट एंड द डीजनरेशन सिस्ट एग्जुडेशन सिस्ट क्या होती है सच सिस्ट डेवलप फ्रॉम एक्जुडेशन ऑफ फ्लुइड फ्लूड के एग्जुडेशन की वजह से अगर वहाँ पर सिस्ट बन रही है तो उसको बोलेंगे एग्जुडेशन सिस्ट एंड आर लिमिटेड इन एनाटॉमिकल स्पेसेस एनाटॉमिकल स्पेसेस में ही वो लिमिटेड रहेगी फॉर एग्जांपल आपके सामने है स्यूडो पैंक्रियाटिक सिस्ट या फिर फ्लूइड ऑफ ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस लाइन बाय द एडरेंट कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन या फिर विजाइनल हाइड्रोसील या वर्सा ठीक है इसको हम बोलते हैं एक्सिडेशन सिस्ट Second, आती है डी जनरेशन सिस्टम सच सिस्ट डेवलप एज अ एजिवेशन इन देंटर ऑफिगन ट्यूमर ड्यू टू हेमरेज सुबह ही मैंने नेक्रोसिस का एक लेक्चर लिया हुआ है अगर आपको नहीं पता है कि ये सारी नेक्रोसिस क्या होती हैं तो आप वो लेक्चर देख लीजिएगा बेसिकली नेक्रोसिस हम पढ़ते हैं पैथोलॉजी में ठीक है सो डी जनरेशन सिस्टम में क्या होता है कि जो ट्यूमर है उसके सेंटर का डिजनरेशन हो जाना अब वह सेंटर का डिजनरेशन क्यों हो रहा है ड्यू टू हेमरेज और इस्टीमिया क्योंकि वहां पे ब्लड नहीं पहुंच पा रहा उस वजह से ठीक है सेकेंड आता है सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पहले हमने फर्स्ट टाइप पढ़ लिया अब तो हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इट इज बेस्ड ऑन द वेदर द सिस्ट इज कंजनाइटल और एक्वायर्ड कंजनाइटल जो कि बचपन से है एंड ड जो कि हमारी जन्म के बाद या पैदा होने के बाद हमने एक्वायर की है उसको बोलते हैं एक्वायर्ड कंजनाइटल सिस्ट के अंदर आपको डिफरेंट वरायटीज देखने को मिलेगी जैसे पहली है सिक्यूस्ट्रेशन डरमोइड सेकेंड इज ट्यूबुलो एम्ब्रियोनिक देखो नाम में ही दिया हुआ है कंजनाइटल है ट्यूब्युलो एम्ब्रियोनिक थर्ड है सिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक रेमिनेंट्स नाम में ही आपको पता चल जाएगा कि इट इज कंजनाइटल ठीक है सेकेंड आपको देखने को मिलेगी एक्वायर्ड सिस्ट बहुत सारी होती हैं तो पहले हम खत्म कर लेते हैं जो कि कंजनाइटल है अभी तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लो ठीक है चलो किसे कोई क्वेश्चन नहीं है हम आगे डिस्कस करते हैं अगर बात करूं कंजनाइटल सिस्ट के बारे में सो so उसमें तीन टाइप की कंजनाइटल सिस्ट देखने को मिली एस टी सी सिंपल से याद रखो क्या है एस टी सी पहली है सिक्विस्ट्रेशन डरमोइड दिस टाइप ऑफ सिस्ट डेवलप एट द लाइन ऑफ क्लोजर ऑफ एम्ब्रियोनिक क्लैप्स ड्यू टू बेरियल ऑफ डर्म सेल्स इन द फ्यूजन लाइन द दूजल साइट आर द मिड लाइन ऑफ द बॉडी अगर हम बात करें सिक्वेस्ट्रेशन सिस्ट की तो हमारी मिड लाइन ऑफ द बॉडी में देखने को मिलेगी क्योंकि वहां पर क्या होता है वो एक लाइन ऑफ क्लोजर है एम्ब्रियोनिक क्लैप्ट का Okay. ये चीज़ आप बेसिक अपने अपने आप से ही समझ पाओगे जब आपने एम्ब्रियोलॉजी वगैरह पढ़ी होगी ठीक है कि एम्ब्रियोनिक क्लैप्ट का जहाँ पर क्लोजर होता है वो हमारे मिड लाइन ऑफ द बॉडी में होता है और अगर वहाँ पर नहीं हो पा रहा है सही से क्लोजर उसकी वजह से सिक्वेस्ट्रेशन डरमोइड वहाँ बन जाएगी दूज साइट आर इन द मिड लाइन ऑफ द बॉडी पर्टिकुलरली इन द नेक मेनली जो सिक्वस्टेशन सिस्ट है

Of of pre-sacral pouch after fusion fusion the brachial तो clefts body embryonic time पे, time पे, fuse कुछ भी बचा रह जाता है ठीक है उसके बचे रहने की वजह से वहां पर cyst का formation हो जाता है Basically, this is the sequestration कि जो भी क्लैफ्ट है जो भी एम्ब्रियोनिक क्लैफ्ट है अगर उनका क्लोजर के टाइम सही से कुछ नहीं हो पा रहा वहां वहाँ पर सेल्स रह जा रही हैं कुछ तो उसको हम उसको हम रखेंगे सिक्यूस्ट्रेशन डरमोइड में ठीक है सेकेंड आता है ट्यूब्यूलो एम्ब्रियोनिक या फिर ट्यूब्यूलो डरमोइड सक्स इज डेवलप इन द ट्रैक्ट ऑफ एन एक्टोडर्मल ट्यूब फॉर एग्जाम्पल थाइरोग्लोसल ड फ्रॉम द थारोग्लॉसल डक्ट ठीक है ये मेरे मुंह से डक्ट निकल गया क्योंकि डक हम मेनली यूज करते हैं पोस्ट एनल द पोस्ट एनल गट सिस्ट इन द ब्रेन पिट्यूटरी सिस्ट फ्रॉम नॉन पार्ट ऑफ द पाउच तो ये सारी आती है ट्यूब्यूलो एम्ब्रियोनिक पे नेक्स्ट आता है सिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक रेमिनेंट्स सर्टेन सिस्ट डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक ट्यूब्स और डक्स विच नॉर्मली डिसअपेयर the example of such cyst are cyst of the urecus and vitello intestinal duct hydrated of morganini from remnants of para mesonephric ducts cyst from the remains of mesonephric duct jisko hum bolte hain wolfian body which is known as the organ of जेरार्ड्स ठीक है तो ये सब क्या है कि अगर embryonic remnants बचे हैं मैं आपको normal हिंदी में समझा दे रही हूँ कि क्या मतलब है इसका जो कि आप इतना सारा पढ़ रहे हो आपको उसी तरीके से लिखना होगा कि अगर कोई भी एम्ब्रियोनिक रेमिनेंट्स बच रहा है मतलब बन रहा है कुछ बनना है जैसे कि मान लो कि यूरेकस है उसकी वजह से बन गया ठीक है यूरेकस की डक्ट की वजह से अगर कोई सिस्ट बन गई तो उसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोनिक रेमिनेंट्स है वो ठीक है अब पहली चीज हमने क्या पढ़ी कि अगर फ्यूजन हो रहा है हमारी बॉडी में जो आ, सारे एम्ब्रियोनिक क्लेफ्ट है जब वो क्लोज हो रहा है उस टाइम पे सेल्स बच गई तो पहला वाला सिक्वस्टेशन डरमोइड बन जाएगा सेकेंड था अगर एक्टोडर्मल ट्यूब है उसमें मेनली होती है सेकेंड वाली जैसे ट्यूबलो एम्ब्रियोनिक सिस्ट जिसको बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल थारोग्लॉसल सिस्ट होती है जो कि बनती है थायरोग्लॉसल डॉक्ट में तीसरी मैंने आपको बता दी कि अगर कुछ भी एम्ब्रियोनिक रेमनेंट्स बच जाते हैं उसकी वजह से सिस्ट डेवलप हो जाती है नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द एक्वायर्ड सिस्ट के बारे में ठीक है अब एक्वायर्ड सिस्ट क्या होती है यहां पर आपको डिफरेंट टाइप की ऑफ सिस्ट पढ़ने को मिलेगा जैसे कि टोटल आपके सामने देखो एच तक है टोटल आठ है सिस्ट पहली है रिटेंशन सिस्ट सच सिस्ट डेवलप ड्यू टू रिटेंशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ अ ग्लैंड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इट्स डक्ट देखो अगर हम बात करें एक्जोक्राइन ग्लैंड की तो हर एक ग्लैंड की अपनी एक डक्ट होती है जैसे आपने पढ़ा होगा सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड में ग्लैंड है तो उसकी अपनी एक डक्ट है सब मैग्जिलरी है उसकी अपनी एक डक्ट है तो हर एक ग्लैंड की अपनी एक डक्ट होती है जिसके थ्रू वो अपना सिक्रीशन करती है बट अगर वो जो सिक्रीशन है वो नहीं हो पा रहा है डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से तो जो सिक्रीशन हो रहा है वहीं पे भरता जाएगा जिसकी वजह से वो वहीं पर रिटेंशन रह जाएगा तो उसको बोलते हैं रिटेंशन सिस्ट द कॉमन एग्जांपल्स आर दिबेशियस सिस्ट अब सिबेशियस सिस्ट के लिए मैंने पूरा एक आपको वो दिया हुआ है लेसन आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में मैंने सर्जरी वाली प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है आपको सर्च करना है मेरी प्ले को तो आप चैनल पे जाके भी देख सकते हो अदरवाइज आप सीधे सर्च करो सर्जरी टॉपिक्स या फिर सर्जरी लेक्चर बाय तरंगी गोस्वामी आपको मिल जाएगा ठीक है तो देखो सिस्ट में क्या होता है सीबम होता है उसकी डक्स होती है अगर उस डक्ट में कोई ब्लॉकेज हो गया तो वो अपना जो भी सिक्रीशन है सीबम वो सिक्रीट नहीं हो पाएगा तो वो वहीं पे ही भरा रह जाएगा जिसकी वजह से रिटेंशन हो जाएगा सेकेंड आता है सिस्ट ऑफ द ब्रेस्ट सो ब्रेस्ट में भी डकट्स होती हैं मेमरी डक होती हैं बहुत सारी उनका सिक्रीशन सही से नहीं हो पा रहा है तो वहां पर बन जाएगा म्यूकस सिस्ट ऑफ द लिप्स एंड द चीक्स चीक्स की और लिप्स में अगर वहां पर वो अपना सिक्रीशन नहीं कर पा रही है तो रिटेंशन सिस्ट बन जाएगी पैनक्रिएटिक सिस्ट ठीक है? है, तो ये सारी cyst बन जाती हैं, इसको बोलते है, retention cyst. Second आती है, distension cyst. पहली retention, दूसरा डिस्टेंशन सच सिस्ट डेवलप फ्रॉम द डिस्टेंशन ऑफ अ नॉर्मल एक्नी और अ ग्लैंड जैसे कि आपने पढ़ा होगा थायरॉइड ग्लैंड में अपनी Uh, जब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि इसमें एक नहीं होते हैं या फिर हम कहते हैं फॉलिकल होते हैं थायराइड फॉलिकल्स तो अगर उनमें डिस्टेंशन हो जाता है तो उसकी वजह से फॉर्मेशन हो जाता है डिस्टेंशन सिस्ट का जैसे कि थाइरॉयड सिस्ट ओवेरियन सिस्ट लिम्फेटिक सिस्ट एंड सिस्टिक हाइग्रोमास आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस वेराइटी एज सच सिस्ट ऑल्सो डेवलप ड्यू टू डिस्टेंशन ऑफ अ लिम्फ सेक और लिफेटिक्स ठीक है तो ये जो डिस्टेंशन वाला है ये पहली चीज की जो भी फॉलिकल्स हैं अगर उनका डिस्टेंशन हो गया है तो उस वजह से हो सकता है ये बन जाए डिस्टेंशन सिस्ट या फिर सेकेंड चीज ये हो सकती है कि जो लिम्फ है या लिम्फेटिक्स के डिस्टेंशन की वजह से भी डिस्टेंशन सिस्ट बन सकती है दोनों केलर हो गए मुझे फटाफट से आप लोग बता दो नो बी एच एम एस डॉक्टर आर नॉट अलाउड टू ऑपरेट सिस्ट बिकॉज Uh, हमारे में मतलब जो होम्योपैथी है उसमें मेनली सर्जरी ही नहीं की जाती है है ना सर्जरी की ना करने की वजह से ही डॉक्टर हैनेमन ने ये सब किया था उन्होंने इतनी सारी सर्च की इतने सारे मेडिसिन बनाए ड्रग प्रूविंग की हम पढ़ते सर्जरी इसलिए हैं जिससे कि एटलीस्ट हम ये जान सकें कि भाई हम किस किस पेशेंट को ठीक कर सकते हैं और किसी भी डिसीज़ का क्या कितना हाई ग्रेड हो सकता है इन चीज़ों को जानने के लिए और सिस्ट को होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू ठीक किया जा सकता है अगर आपने होम्योपैथिक मटेरिया मेडिकल पढ़ी है तो आप सिंपली अच्छे से क्योर कर सकते हैं पेशेंट्स को ठीक है इसके ऊपर अगर आप लोग चाहोगे तो मैं आपको बता दूंगी पूरा एक लाइव सेशन कर लेंगे किसी दिन क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाह रहे हैं बी का लाइव सेशन बट अभी चलो आगे बढ़ते हैं हम इसी को कंटिन्यू करते हैं बिकॉज़ यू ऑल आर हेयर फॉर दिस सो लेट स्टार्ट नेक्स्ट आता है एग्जूडेशन सिस्ट दिस टाइप ऑफ सिस्ट डेवलप्स ड्यू टू एक्जिडेशन ऑफ फ्लूड इन टू एन एनाटोमिकल स्पेस ऑलरेडी लाइंड बाई एंडोथीलियम अब हमारी बॉडी में बहुत सारे स्पेसिस होते हैं एनाटोमिकल स्पेस का मतलब है कि वहाँ पर कोई ऑर्गन नहीं है वो एक एनाटोमिकल स्पेस बना हुआ है और वो स्पेस जो है वो ऑलरेडी एंडोथीलियम से ही लाइंड है

ठीक है तो बेसिकली डिजेनरेशन क्या होता है अगर कहीं पे कोई मेलेग्नेंट ट्यूमर है उसके सेंटर में हेमरेज या हो जाता है उसकी वजह से अभी मैंने आपको आज सुबह ही जब नेक्रोसिस पढ़ाई थी तो बताया था कि अगर स्ीमिया हो गया है तो उसकी वजह से वहां पर नेक्रोसिस डेवलप हो सकती है तो नेक्रोसिस हो जाएगी तो उसको हम बोलते हैं डिजेनरेशन हो गया ठीक है नेक्स्ट आता है सिस्टिक ट्यूमर्स

तो उसको वो कहाँ कहाँ पे हमें मेनली देखने को मिलता है हमारे फिंगर्स में हैंड में और सोल ऑफ द फुट में नेक्स्ट इज द ट्रोमैटिक तो नाम से ही बता रहा है भाई ट्रॉमा की वजह से हो रही है तो समाइम्स हेमाटो विथ इन द मसल्स मसल्स के अंदर हेमाटोमा होना फेशिया और सब क्यूटेनियस टिश्यू में रिजॉल्व इन टू सिस्ट ठीक है तो अगर हेमाटोमा हुआ है मसल के अंदर फेशिया के अंदर या सब क्यूटेनियस टिश्यू के अंदर तो हो सकता है भाई वहां पर सिस्ट बन जाए

पैरासाइटोलॉजी तो पैरासाइटोलॉजी में आपने कोकस के बारे में पढ़ा होगा आपने टीनिया सोलियम के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ हम इन सिस्ट को भी डिस्कस करते हैं दैट इज वॉट इज हाइड्रेटिस सिस्ट व्हाट इज सिस्टी सर्कोसिस ठीक है द सिस्टी सर्कस इज द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ द पैरासाइट दिस इज मेनली अ डिसीज ऑफ द पिग दो ह्यूमन बींग्स आर रेयरली अफेक्टेड मेनली पिग में होती है बट ह्यूमन बींग्स काफी कम अफेक्ट होते हैं इससे कैन अकर इन एनी ऑर्गन इन द ब्रेन दे प्रोड्यूस प्रेशर सिम्टम अगर ब्रेन में बन गई तो ऑब्वियसली तो ब्रेन इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इतना सारा सामान है हमारे ब्रेन के पास उसमें भी अगर सिस्ट बन गई तो वहाँ पर प्रेशर तो लगेगा ही ना तो इट प्रोड्यूस प्रेशर सिम्टम्स दीज सिस्ट आर ऑफन कैल्सिफाइड मतलब कि वहाँ पर uh, कैल्सिफिकेशन हो सकता है सो एक्सरे कैन डायग्नोस एक्सरे में हमें कैल्सीफाइड चीजें ईजिली दिख जाती हैं जहाँ पे कैल्शियम होता है इसीलिए एक्सरे हम अपनी बोन्स का कराते हैं है ना तो एक्सरे में हमें ईजिली मिल सकती है दैट इज पैरासिटिक्स इज एंड एक्सीशन इज द ओनली ट्रीटमेंट इसमें ऐसा लिखा हुआ है बट मैं नहीं कह सकती क्योंकि आई एम अ होम्योपैथिक होम्योपैथिक स्टूडेंट तो हम तो ट्रीट करना चाहते हैं पेशेंट को विदाउट सर्जरी इसमें ऐसा लिखा हुआ है बट दैट इज नॉट कन्फर्म्ड ओके लास्ट सिस्ट के नाम दिया हुआ है सिस्ट ऑफ अर ट्राइचीनिया स्पाइरिस मेनली अफेक्ट द मसल्स ठीक है तो मेनली ये वाली सिस्ट जो है ये मसल्स को अफेक्ट करती है अब हम कल के लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द सिस्ट एंड इसका फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह अप्लीकेशन और उसके बाद इन द नेक्स्ट मैं आपके साथ डरमोइ सिस्ट डिस्कस करूंगी करूँगी जो सिस्ट थी वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई है आफ्टर कम्प्लीटिंग दिस लाइव सेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी ठीक है अभी तक के लिए इतना होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया होगा ओके okay. okay, मैं ट्राई करूंगी कि मैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो भी मैं आपको बताऊं क्योंकि देखो में हमें पढ़ाया सब कुछ जाता है हम सीखते हैं सब कुछ है बट हमें ट्रीटमेंट नहीं करना होता है इसकी क्या स्टोरी है वो भी मैं आपको जरूर किसी दिन बताऊंगी व्हेन आई एम इन ए गुड मूड और हम बातें करना चाहेंगे तो ठीक है अभी तो मैं पढ़ाने के मूड में थी इसलिए मैंने आज ये बात को यहाँ पे बंद कर दिया एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड uh, मैं ट्राई करूंगी कि एक आपको टाइम टेबल दे दूं कि मैं किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ क्योंकि आई नो ऐसे आप सब लोग बड़ा परेशान हो जाते हो okay? कभी मैं आपको पैथोलॉजी पढ़ा देती हूँ कभी आ जाती हूँ नीट का लाइव सेशन लेके बट हाँ नीट के बच्चों के लिए लाइव सेशन का टाइम बिल्कुल कंफर्म है दैट इज़ एट थ्री पी टू फोर पी ठीक है कन्फर्म उस टाइम पे ही लाइव सेशन होगा पैथोलॉजी सर्जरी के लिए या फिर अगर मैं ऑफ्सगानी भी आपके लिए अगर सेशन शुरू करूंगी ऑफजाइनी का अगर कोई चाहता है कि मैं ऑफ्स गाय के सेशन भी शुरू करूँ तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो ऑफ्स गाइनी का जब सेशन शुरू करूंगी तो उसके बारे में भी मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगी ठीक है जल्द ही एक टाइम टेबल आने वाला है तब तक के लिए टिल देन बाय बाय टेक केयर जितने भी लोग हो लाइक कर दिया करो अ, मेरे लाइव सेशंस और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो उसके अलावा आपके बहुत सारे फ्रेंड्स उनके साथ शेयर करो बिकॉज लॉकडाउन के टाइम पे कोई पढ़ाई नहीं कर पा रहा है एंड आई ट्रुल वॉन्ट कि आप सब घर पर बैठ के पढ़ाई करो बहुत अच्छा टाइम है इफ़ यू आर मेडिकल स्टूडेंट भाई टाइम वेस्ट करना तो बेकार है क्योंकि आपको पूरी लाइफ टाइम पढ़ाई करनी है जो चीज़ें मैं पता नहीं कितनी बार से पढ़ के आ रही हूँ उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि यार ये चीज़ समझ नहीं आ रही है ठीक है तो कभी भी इसके मत कर उसे खाना खाते हो रोज नहाते रोज हो रोज <laughs> वो वैसे ही पढ़ाई भी रोज करनी है ठीक है तो टिल बाय बाय टेक केयर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में